इस प्रचार सभा में मंच पे उपस्थित सीनियर कांग्रेस लीडर महेंद्र सिंह चौहान जी, सीडी सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे जी, चंदन सिंह राजपुरोहित जी, राजकुमार मिश्रा, राहुल पारेख, एडवोकेट सावंत, साहेबलाल यादव, प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुरेश दलवी, उमेश यादव, जवाहर भाई शाह, उपस्थित सभी बालाजी नगर के रहवासी भाइयों बहनों, दोस्तों, 21 अक्टूबर को आने वाले इस मीरा भाईंदर की विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज की ये प्रचार सभा, उसी के चलते हुए ये सभा यहाँ लगाई गई। महेंद्र सिंह जी और हमारा यहाँ का एक नौजवान साथी विजय शर्मा जी, ये पिछले साल दो साल से हमारे साथ संपर्क में आए और बालाजी नगर की सारी समस्याएं, परेशानियां इन्होंने बताना शुरू करी। मैंने विजय से भी कहा और सिंह साहब से भी कहा कि मैं आप लोगों को मार्गदर्शन करूंगा, आप उस तरह से काम करते जाइए। और देखिए कि इन्होंने साल भर में ही यहाँ की सारी समस्याएं, चाहे रिक्शा की हो, कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ताश खेलने वाले लोगों की हो, या कोई गलत लोगों की स्टेशन के परिसर में खड़े रहने की समस्या हो, या स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, गटर की समस्या हो, ये सारी समस्याओं का समाधान महेंद्र सिंह जी और विजय शर्मा और उनके यहीं के लोकल रहवासियों ने मिलकर के किया। आपका अभिनंदन है सिंह साहब। जबकि इस प्रभाग में नगर सेवक हैं, ये वातावरण 5 साल में बदला है। लोग तो वही हैं, नगर सेवक भी जो बने हैं ये वही नगर सेवक है जो सिंह साहब के साथ, सीडी सिंह साहब के साथ, महेंद्र सिंह चौहान साहब के साथ या हमारे साथ, या तो कांग्रेस में थे या राष्ट्रवादी में थे। आज सिर्फ दल बदल दिया है, बाकी लोग तो वही है। तो अगर वो खुद अगर आकर के आपके बीच में कहेंगे कि 25 साल में शहर में काम कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो खुद अपने आप को दोष देते हैं कि उन्होंने इस परिसर में काम नहीं किया। रिक्शा वालों की समस्या हो, क्या स्कूटर की पार्किंग की समस्या हो, या ट्रैफिक पुलिस की समस्या हो, ये 2017 के चुनाव के बाद से महानगर पालिका में भाजपा की सरकार मेजॉरिटी से बनी है। तो फिर क्या वजह है कि आपके इलाके के अंदर की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब यही होता है कि ये सारी समस्या उस वजह से बन रही है जिसके खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार है तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती है। हमने और गिलबर्ट मेंडोंसा जी ने क्या किया 25 साल में, वो तो इस बालाजी नगर में और इसके आसपास में रहने वाली सारी सोसाइटी जानती है, लोग जानते हैं कि यहां के रहवासी पिछले कई सालों से शहर में रहते हैं। स्टेशन का रोड कितना बड़ा था, या फुटओवर ब्रिज था या नहीं था, बस थी या नहीं थी, यहां तो वो भी लोग हैं जिन्होंने भाईंदर स्टेशन से टांका गाड़ी जाते हुए देखा है, चौहान साहब। और अगर आज वो अचानक ये कहने लगते हैं कि मैंने सब कुछ 5 साल में कर दिया, तो देखना पड़ेगा वो अलाउद्दीन का चिराग कहां छुपा के रखते हैं कि सब कुछ हमने 5 साल में बना दिया, पूरा मीरा भाईंदर हमने 5 साल में चमका दिया, वा रास्ता, वाटर, गटर, मीटर, रेलवे, बस, रिक्शा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन, प्लेग्राउंड, जॉगर्स पार्क, सब कुछ 5 साल में ही विधायक ने बना दिया। तो फिर 5 साल के अंदर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इसके ऊपर क्रिमिनल का केस दाखिल करो, ये वही विधायक है। तो फिर इसी 5 साल में 22 क्रिमिनल केसेस भी हो गए,
ये वही विधायक है जिसने असेंबली में कहा कि मेरे ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है और अगर एक भी केस होगा तो मैं आमदारगी का राजीनामा दे दूंगा और अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब अभी इलेक्शन का पर्चा दाखिल किया है तो उसमें 22 क्रिमिनल केसेस एफिडेविट में खुद ने लिख के दिया है। जो असेंबली में झूठ बोल सकता है तो इस समाज में कितना झूठ बोलता है, इस शहर में कितना झूठ बोलता है। पिछले 5 साल में एक ही काम हुआ है शहर में कि मैं मारवाड़ी जैन, आप गुजराती जैन, तुम दिगंबर जैन, मैं स्थानकवासी, आप देरावासी, मैं वैष्णव, आप कपोल, आप ब्राह्मण, आप ठाकुर, आप पिछड़ी जाति, आप मराठी, आप गुजराती, ये पूरे समाज को बांटने का काम पिछले 5 सालों के अंदर इस शहर में हुआ। ये शहर का वातावरण बदलने का प्रयास हुआ, वरना इस मीरा भयंदर शहर में कभी जातिवाद का वातावरण नहीं होता था, ना कभी समाज के अंदर आपस में अफरा तफरी होती थी। वो कहते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली खराब हो तो पूरा तालाब गंदा कर देती है, उसी तरह से पूरे शहर में एक व्यक्ति ने पूरे शहर का वातावरण को प्रदूषित करके रख दिया है। हम लोगों ने 30-35 साल, चौहान साहब ने बताया कि हमने 30-35 साल में शहर को खड़ा किया। ये सारा जो शहर आज आपको दिखता है ये हम लोगों ने खड़ा किया। अब ये कहते हैं कि हमने 5 साल में खड़ा किया, तो इनका जाहिरनामा उठाइए 5 साल पहले का और आपके इलाके में आए तो पूछिए ये 5 साल पहले के आपके वचननामे में आपने वचन दिया था, इन वचनों का क्या हुआ? भयंदर दहिसर का टोल नाका क्या वो हट गया? क्या हटा है क्या? तो पहला वचननामे में, इनके वचननामे में दहिसर टोल नाका हटाने की बात थी। क्या भयंदर से नई ट्रेन चालू हुई? कल आदरणीय रेलवे मंत्री जी पीयूष गोयल जी भी आए थे, मगर उन्होंने भी एक अल्फाज भी मीरा भयंदर की जनता की ट्रेन के प्रवास की समस्या को लेकर के एक अल्फाज भी नहीं कहा। 5 साल केंद्र की सरकार, 5 साल राज्य की सरकार, अरे ये बाद में बांटो भाई, 5 साल केंद्र की सरकार, 5 साल राज्य की सरकार, महापालिका की सत्ता, मगर कभी भी एक बार भी मीरा भयंदर की समस्याओं को लेके, ना ट्रेन की समस्याओं को लेके, ना टॉल की समस्याओं को लेके, ना कभी विधानसभा में आवाज उठाई, ना कभी केंद्र सरकार के पास आवाज उठाई। अब कहते हैं कि सरकार तो हमारी है, ये क्या कर सकते हैं, ये अपने जाहिरनामे में कैसा लिख सकते हैं? तो मेरा भी तो वही सवाल है कि अगर सरकार आपकी थी तो 5 साल में ये सारे समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? क्यों टोल नाका नहीं हटा? क्यों डंपिंग ग्राउंड की समस्या हल नहीं हुई? क्यों मीरा भयंदर की बस सेवा जो हम लोगों ने शुरू की थी वो बंद हो गई? क्यों कोर्ट की बिल्डिंग बन के तैयार पड़ी है उसे चालू नहीं हुई? क्यों टेम्बा अस्पताल, जो पंडित भीमसेन ज्योति अस्पताल का नाम आपने दिया, 3 मरतबा उसको हैंडिंग ओवर और उद्घाटन का काम हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ, 35 करोड़ के इक्विपमेंट उस अस्पताल में सड़ गए मगर उसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, पुलिस कमिश्नरेट नहीं बना? अब इलेक्शन आया है तो डिक्लेयर कर दिया कि हम पुलिस कमिश्नरेट बना दिए हैं, अब पालघर के साथ जोड़ दिया है। अब एक ही दिन में अगर आपको पुलिस कमिश्नरेट जाना हो और कलेक्टर ऑफिस जाना हो तो आपको यहां से थाना 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा और आपको यहां से वसई जाना पड़ेगा। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आपकी हो गई थाने और पुलिस कमिश्नरेट का डिस्ट्रिक्ट बन गया आपका पालघर। ये तो ये सरकार का काम है। अरे हम लोगों ने यहां पर
जुडिशियल एकेडमी लाई, जो उत्तर में जुडिशियल एकेडमी दिखती है, विलासराव जी देशमुख के टाइम पे हम लोगों ने उसको शुरू कराया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाए, ब्लड बैंक बनाया, लाइब्रेरी बनाए, मॉर्ग रूम बनाया, शमशान कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड बनाया, मीरा रोड का शमशान कब्रिस्तान बल ग्राउंड मैंने अपने पैसों से बनाया 2000 के साल में, 6 करोड़ रुपए लगाकर और हर साल लाखों रुपया खर्च करके उसको मेंटेन भी किया, लाखों रुपया खर्च किया और उसे मेंटेन भी किया। ये व्यक्ति का, इस आमदार का खुद का पर्सनल पैसे से इस शहर में एक वास्तु 1 रुपए की कहीं इन्होंने बनाई हो तो कोई बता दे, 1 रुपए की। वो छोड़ दीजिए, अपने आमदार निधि का उपयोग कहां पे किया 5 साल में, क्या बनाया वो बता दीजिए, गटर और रोड छोड़ने के, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है इसलिए बनाया होगा। ये सारे कंक्रीट के रस्तों का काम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम, ये बस सर्विसेज, ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के तहत बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, और विलासराव जी के टाइम पे ये कंक्रीट के रस्तों के लिए पैसे लाए गए। नया कुछ भी नहीं आया शहर में। मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले कहा था कि मीरा भाईंदर में हम मेट्रो 2019 में चालू कर देंगे, हो गई क्या चालू? 9 बार उद्घाटन हुए, रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ, मगर मेट्रो चालू नहीं हुई। हमने उस टाइम भी कहा था कि अगर मेट्रो 2019 में चालू हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मगर 2019 में चालू नहीं हुई, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब चुनाव डिक्लेयर हुआ है तो काशी मीरा भाईंदर रोड के ऊपर फिर से ड्रामा शुरू हो गया है। शहर में सब लोगों ने फलक देखा, बोर्ड देखे, मुझे गर्व है। किस बात का गर्व है? भाईंदर में एक नया प्लेग्राउंड बताइए, भाईंदर पश्चिम में एक नया प्लेग्राउंड बताइए। सुभाष चंद्र मैदान हम लोगों ने बनाया था, ये खाली गेट बना है 2 साल में, और वो गेट बनाने के लिए भी 50-50 लाख रुपया खर्चा किया जाता है। इन 5 सालों में आप पे कचरे का डबल टैक्स लगा दिया है, जो हाउस टैक्स लिया जाता था उस पे आपका कचरे का टैक्स था, लेकिन आपके ऊपर वापस से गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, कचरे का टैक्स लगा दिया है। पानी कम हो गया है, 7 रुपए से 14 रुपया लीटर का पानी आपके ऊपर ठोक दिया गया है। 175 MLD पानी जो हम लोगों ने लाया था उससे 1 लीटर पानी भी ज्यादा नहीं आया, बल्कि थाना के अंदर हीरानंदानी गार्डन को पानी, यहां से मीरा भाईंदर का पानी दे दिया गया। काम क्या हुआ फिर 5 साल में? खाली बोर्ड लगे हैं। मुझे गर्व है, गर्व शब्द से अहंकार की बदबू आती है, अहंकार की। अगर ये कहा होता उन्होंने कि हमने शहर में ये काम किया मुझे खुशी है, तो हमको भी लगता था नहीं अच्छी बात है, अहंकार। मैं कल ही अभी यहां पर भाईंदर पश्चिम में किसी कार्यक्रम के अंदर शायद हंसी मजाक में कहा होगा, मगर कह दिया, जो दिल की बात है वो जुबान पे आ जाती है, अहंकार जो है वो बोलता है। क्या बोला उन्होंने? ये कहा कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अरे ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े राजा महाराजा संत ज्ञानी आए और चले गए, आदमी की औकात क्या है, तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है? ये 2-5 साल की सत्ता, आमदारगी, मंत्री पद, ये अहंकार, इससे अहंकार नहीं होना चाहिए आदमी को, इससे समाज की सेवा करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर आज मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं तो ये शहर में जो काम रुक गया है, जो काम बढ़ना चाहिए था पिछले 5 सालों में, ट्रेन की सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी, कचरे का टैक्स हटाना है, पानी बढ़ाना है, कोर्ट शुरू करना है और तमाम चीजें करनी है, शहर के लिए नौजवानों के लिए रोजगार की संधियां उपलब्ध करा के देनी है, इसके लिए और इस शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ गया है उसे खत्म करने की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आने वाले 21 तारीख को कांग्रेस के सिंबल हाथ के ऊपर बटन दबा करके मुझे बहुमतों से चुन करके भेजिएगा,
धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. हेलो.